الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إيه آية كريمة میں وعليكم السلام ورحمة الله इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को जानकर कत्ल कर दे तो उसकी मजम्मत और उसकी शनाख्त बयान की है कि वो अल्लाह के यहाँ कितना बड़ा जुर्म है। कल पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि एक मोमिन किसी मोमिन को कत्ल कर ही नहीं सकता। ये कैसे मुमकिन है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन को कत्ल कर दे? हाँ, किसी से गलती से हो जाए तो एक अलग बात है, गलती से भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसलिए जो गलती से कत्ल हो जाए, कत्ल ख़ता जिसको कहते हैं, उसकी कड़ी सज़ा कफ़ारा बहुत सख्त रखा है अल्लाह ताला ने। एक तो हक़ुल्ला के तौर पर के ग़ुलाम आज़ाद किया जाए मुसलमान, और नंबर दो के दियत दी जाए। कत्ल ख़ता कि जो जो कफ़ारा है कि ग़ुलाम आज़ाद किया जाए, तो ये जिससे गलती से कत्ल हुआ उस पर है कि वो ग़ुलाम आज़ाद करे मोमिन। अगर वो मोमिन ग़ुलाम आज़ाद ना कर सके फिर उसको 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखने होंगे। और जो कातिल के रिश्तेदार हैं जिनको आक़िला कहते हैं, तो उन पर ज़िम्मेदारी है कि वो दियत अदा करें 100 ऊँट या उनकी मालियत के बराबर। पहले तो 10 ऊँट नहीं, 100 ऊँट कत्ल की कत्ले ख़ता का कफ़ारा 100 ऊँट है, जो उसकी दियत है वो 100 ऊँट है, 10 ऊँट तो नहीं है। अब उसकी कुछ तफसीलात मैंने कल जितनी मैं बयान कर सके मैंने की थी आपके सामने, कि कोई अगर मोमिन किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो ग़ुलाम भी आज़ाद करना है और दियत भी देनी है, इल्ला ये कि मक्तूल के वरसा माफ़ कर दें, इल्ला इन यसद्दकू, मगर ये कि वो सदका कर दें, उस माफ़ी को सदका करार दिया, यानी उभारा है कि अगर वो माफ़ कर दें तो ये बहुत बड़ा सदका शुमार होगा। और फिर एक सूरत बयान की कि अगर वो दुश्मन कौम से है, वो मोमिन ऐसी कौम से जिससे आपकी दुश्मनी है, तब फिर सिर्फ ग़ुलाम आज़ाद करना होगा, हकुल्ला जो है वो अदा करना होगा, फिर दियत नहीं होगी, इसलिए कि उसके रिश्तेदार गैर मुस्लिम होंगे या इसलिए कि उसने हिजरत नहीं की। और अगर वो ऐसी कौम से जो दुश्मन नहीं है, उसके और मुसलमानों के दरमियान मुआहिदा है, तो फिर यही 2 सूरतें, एक ग़ुलाम आज़ाद करना है और एक दियत अदा करनी है। ये तीसरी सूरत के बारे में बाज़ उलमा ने कहा है कि तीसरी सूरत गैर मुस्लिम के बारे में है, क्योंकि दूसरी सूरत में बाकायदा अल्लाह ताला ने मोमिन की बात की है। तो तीसरी सूरत अगर गैर मुस्लिम हो और फिर मुसलमानों में और उसमें मुआहिदा भी है आपस में, वो कहते हैं इससे मुराद मुसलमानों के दरमियान रहने वाला ज़िम्मी मुराद है, तो अगर वो कत्ल हो जाए तब फिर दोनों चीज़ें हैं, मोमिन ग़ुलाम भी आज़ाद करना होगा हकुल्ला के तौर पर और हकुल अब के तौर पर, जिससे गलती से कत्ल हो गया उसके रिश्तेदारों पर दियत आएगी, लेकिन ये दियत जो है वो आधी होगी मुसलमान से, जिस तरह अहादीस मुबारक से पता लगता है। इसी तरह अगर औरत गलती से कत्ल हो जाए तो औरत के बारे में भी
अक्सर उलमा की बल्कि इजमा का दावा किया जाता है, अक्सर उलमा की राय यह है कि औरत की दियत भी आधी होगी। वल्लाहु ताला आलम। ये तो है अगर कत्ल ख़ता हो तो, अगर गलती से कत्ल हो जाए, क्योंकि मोमिन एक मोमिन को जानकर कत्ल कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर फिर भी कोई इतना बदबخت हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, कि वो अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ने के बाद भी किसी मोमिन को कत्ल कर दे और जानबूझकर कत्ल कर दे, तो फरमाया वमन यक्तुल मोमिन मुतअम्मिदन, और जो कत्ल करे किसी मोमिन को जानकर, फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, तो उसकी सज़ा जहन्नम है, खालिदन फीहा, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा। वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि, उस पर अल्लाह का गज़ब है, अल्लाह उस पर बहुत गज़बनाक हुए, वला अनहु, और अल्लाह ने उस पर लानत कर दी। लानत, अल्लाह की लानत ये बहुत बड़ी चीज़ है, यानी अल्लाह की लानत का मतलब है कि अल्लाह की रहमत ख़त्म हो गई है, अब जिस तरह अल्लाह ताला ने शैतान पर लानत की थी, अपने रहमत से उसे दूर कर दिया था। वइन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, क़यामत के दिन तक तुझ पर लानत है। तो यहाँ अल्लाह ने एक मोमिन किसी मोमिन को कत्ल कर दे जान कर, तो अल्लाह ने उस पर अल्लाह की लानत होती है, अल्लाह का गज़ब होता है, अल्लाह की लानत होती है, और अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने पांच बड़े बड़े सज़ाएं बयान की। एक तो उसकी सज़ा जहन्नम है, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेगा, उस पर अल्लाह का गज़ब है, उस पर अल्लाह की लानत है, और उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है, वलियाज़ु बिल्ला, क्योंकि वो एक मोमिन अपने आप को कहलाने वाला, वो दूसरे मोमिन को जान कर कत्ल कर रहा है। तीन सूरतें होती हैं कत्ल करने की। एक सूरत है जिसका पिछली आयत में जिक्र है, जिसको कत्ल ख़ता कहते हैं। तो मोमिन मोमिन को जान कर कत्ल कर ही नहीं सकता, गलती से हो जाए तो उसमें भी एहतियात के लिए अल्लाह ने बहुत कड़ा कफ़ारा रखा है। अब अगर कोई किसी को जान कर करे, जान कर कत्ल करने की दो सूरतें हैं। एक सूरत तो बाकायदा कत्ल आमद जिसको कहते हैं, कि कोई बाकायदा किसी को जान कर कत्ल ही कर दे और उसकी नीयत भी कत्ल करने की हो, और वो करे भी जान कर, दुश्मनी में, जायदाद के झगड़ों में, गुस्सा आने पर, दुनियावी पैसा लूटने के लिए डाका मारते हुए कोई किसी को कत्ल कर दे, उसको कत्ल आमद कहते हैं। और एक तीसरी सूरत भी है कि गलती से तो ना हो, कोई किसी को मारे तो, मारे तो जान कर, लेकिन उसका इरादा मारने का ना हो, कत्ल करने का ना हो, लेकिन उससे वो अगला बंदा कत्ल हो जाए। किया, करने वाले ने किया जान कर है, गलती से नहीं हुआ, किया जान कर है, लेकिन उसने कत्ल करने का इरादा नहीं था, किसी ऐसी चीज़ से उसने आमदन हमला किया है कि जिस चीज़ से कत्ल नहीं होता, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कत्ल हो गया, अगला बंदा मारा गया। कोई बंदा किसी को मुक्का मारे, मुक्के से कोई बंदा मरता नहीं है, लेकिन वो ऐसी जगह पर लग जाए कि अगला बंदा जो है ना वो फौत ही हो जाए। अब ये गलती से नहीं हुआ, ये कत्ल ख़ता नहीं है, ये है आमद, लेकिन ये आमदन कत्ल नहीं है, तो इसको कहते हैं शिबा आमद। तीन किस्में हो गई कत्ल की। एक सूरत है जिसको कत्ल ख़ता कहते हैं, उसकी तफसीलात हम पीछे पढ़ चुके हैं, और एक सूरत है जिसको शिबा आमद कहते हैं, वो कत्ल ख़ता के करीब है वैसे, लेकिन उसमें आमद भी शामिल है, वो गोया कि एक गुना कत्ल ख़ता से बढ़कर है, अगरचे उसमें इरादा कत्ल का नहीं था। कत्ल ख़ता में तो इरादा है ही नहीं, वो तो गलती से जो है वो हो गया, एक बंदे को पता ही नहीं लगा। यहाँ पे जो कत्ल ख़ता है उसके लोग कत्ल हो भी जाए बंदे से, तो वो 10-20 लाख दे के मामला देखिए, कोई बंदा माफ़ कर दे तो वो पूरी माफ़ कर दे वो भी सदका है, वो आधी माफ़ कर दे, जितना माफ़ कर दे तो वो सदका है। अगर अगले लोग तैयार हो जाए, देखिए उनको प्रेशराइज करना सही नहीं है, वो तो फिर यानी ना देने वाली बात है। तो बाकी अगर वो सारा माफ़ कर दें, या अल्लाह ये सदक, अल्लाह ने इजाज़त दी है। जी, कत्ल करने की एक सूरत ये भी तो होती है कि कत्ल करने के लिए निकला है और अगला जो है दुश्मनी में वो चौकन्ना हो गया और उसको मौका मिल गया, तो वो भी उसको कत्ल। देखिए, अगर एक बंदा दिफा में अपना दिफा करे और दिफा में वो जो कत्ल करने के लिए आया वो कत्ल हो जाए, तो ये कत्ल नहीं होता। ये हाँ जी,
दफा में मारता किसी को तो वो पता नहीं 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 वो तो उसने दिफा किया है अपना, तो लेकिन यहाँ पे वो मानते हैं कत्ल, जी यहाँ पे कानूनी या तौर पर। तो उसको डाल लेते देखिए वहाँ हालात देखकर अगर उसने वाकई मामला दिफा में किया है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि वो कत्ल शुमार होता है। अगर वो साबित कर दे इसको तो वो कत्ल शुमार कैसे होगा? उसको किसी ने खबर दे दी या कुछ कर नहीं, दिया देखिए पहले से किसी को रोके कत्ल ना। करना सही नहीं लेकिन है, यहाँ पे पुलिस मिलजुल के सारा मामला डाल वो रही तो है, फिर एक पुलिस अलग को मामला है ना, पता वो तो फिर अलग नहीं मामला है। बंदा किसी को कत्ल करने आए तो वो जो है वो अपने दिफा में उस पर हमला कर दे या वो दिफा में हथियार चला दे, तो ये तो कत्ल नहीं है। तो दूसरी किस्म हुई शिबा आमद और तीसरी किस्म हुई कत्ले आमद। तो कत्ले आमद है, इसकी सज़ा बहुत कड़ी है और अल्लाह ने इस शिवा जी 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 शिवाम की मिसाल वो मूसा की कितने जी जी कोई बंदा किसी को पत्थर फेंके किसी पर ईंट फेंक दी उसने गुस्से में, ईंट से आमतौर पर कत्ल नहीं होता, लेकिन अगला बंदे पर ऐसी जगह लग जाती है कि वो जो है ना वो बाकायदा दिन फौदी हो जाता है। यानी किसी भी यानी अमदन किसी को किसी ऐसी चीज़ से मारना जिससे कत्ल होता नहीं है लेकिन उससे अगला बंदा जो है वो मारा जाए, तो ये शिबा आमद है। और तीसरी चीज़ है कि कत्ले आमद बाकायदा, तो कत्ले आमद की बहुत कड़ी सज़ा है। ये सज़ाएं सारी वो हैं जो अल्लाह के यहाँ हैं कि वो जहन्नम में रहेगा और हमेशा रहेगा और उस पर अल्लाह का गज़ब है और अल्लाह की लानत है और अल्लाह ने उसके लिए अजाब अजीम तैयार कर रखा है। और दुनिया में कत्ले आमद की जो सज़ा है वो किसास है, वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। किसास है कि जैसे कोई किसी को कत्ल करे उसे वैसे कत्ल कर दिया जाए, और किसास की माफ़ी के अख्तियार सिर्फ मकतूल के वरसा को है। तो अगर मकतूल के वरसा वो कि हम किसास नहीं लेंगे तो किसास की जगह पर फिर दियत ली जा सकती है, और वो दियत ये जो कत्ल ख़ता की दियत है वो इसकी तरह नहीं है, वो इससे सख्त है वो दियत। अगरचे है वो भी 100 ऊँट लेकिन उन ऊँटों की बाकायदा शराइत भी हैं कि जी उन शराइत में ये भी है कि वो हामला हों, वो ज़्यादा कीमती अच्छा कीमती होते हैं, फिर उनमें तकसीम है कि जी वो 30 ऊँट वो 30 वो 3 साल के हों, 40 ऊँट 30 ऊँट 40 साल के हों, 4 साल के हों, तो वो ऊँट जितना छोटा होता है उसकी कीमत कम होती है, वो अगर 3 साल का हो पहले बिनते मखाज या इब्ने मखाज कहते हैं जो 1 साल का होता है, फिर बिनते लबून या इब्ने लबून जो 2 साल का होता है, फिर हिक्का जो 3 साल का होता है, फिर जजा जो 4 साल का होता है। तो इसमें यह भी कुछ शर्त है कि वो 30 ऊँट 3 साल के हों, 30 ऊँट 40 साल के हों, फिर उसमें मादा का भी है और वो हामला भी हों, इस तरह की कुछ मज़ीद शराइत भी हैं। जो कत्ले अम्द की जो दियत है अगर वरसा माफ़ कर दें तो, और अगर वरसा जो है वो कत्ले अम्द की दियत भी अगर पूरी ना लेना चाहें, वो कुछ कम कर दें या बिल्कुल ही माफ़ कर दें, तो बहरहाल उसकी भी इजाज़त मौजूद है। अच्छा, जो कत्ले आमद की जो दियत है अगर वो दियत वरसा लेना चाहें, वो दियत कातिल पर होती है, वो दियत आकिला पर नहीं होती। आकिला पर, आकिला कहते हैं वो जो जिससे गलती से कत्ल हो गया, जो उसके रिश्तेदार हैं। कत्ले खता की जो दियत है वो रिश्तेदारों पर होती है, कातिल पर सिर्फ वो जिससे गलती से कत्ल हो गया उस पर वो है गुलाम आज़ाद करना। अगर गुलाम आज़ाद ना कर सके तो फिर उसके लिए वो 60 रोज़े 2 महीने के मुसलसल रोज़े हैं, जिसका कल तफसील बयान हुई थी। और उसकी जो दियत है वो आकिला पर रहा है, और आकिला के बारे में भी याद रखें कि वो दियत जिससे कत्ल हुआ उस पर नहीं है, उसके बाप पर भी नहीं है, उसके बेटे पर भी नहीं है, वो उसके भाइयों पर, उसके चचा की औलाद पर, या उसके दादा के भाई और दादा के भाइयों की औलाद, तो इन पर होती है दियत कत्ले खता की। लेकिन जो कत्ले आमद है अगर इसकी दियत हो, क्योंकि ये जानकर हुआ है, तो इसकी दियत वो कातिल पर होती है। और अगर कत्ले खता में वो रिश्तेदार ना हो तब फिर वो दियत फिर बैतुल माल से अदा करनी चाहिए। अगर बैतुल माल से भी अदा ना हो फिर बहरहाल उसको जिससे कत्ल हुआ है उसको फिर अदा करना चाहिए। अगर कुछ दियत जो है
वो बैतुल माल से अदा हो जाए, बाकी दियत जो है वो फिर जिसे कत्ल हुआ गलती से उसको पूरा करना पड़ेगा। बहरहाल तो जो कत्ल ख़ता है वो दियत वो रिश्तेदारों पर पड़ेगी, और जो कत्ल आमद अगर उसकी दियत हो, अगर उसका किसास माफ़ हो जाए, उसकी दियत वो कातिल पर नहीं होती है, वो रिश्तेदारों पर नहीं होती। रिश्तेदार को देखते कुछ नहीं, अल्लाह ने रिश्तेदारों पर डाला है, बाकायदा हदीस में जिक्र है, कत्ल ख़ता अगर हो जाए तो शिबा आमद या कत्ल ख़ता, तो उसमें अल्लाह ने रिश्तेदारों पर डाला है। अगर कोई नहीं मानता तो वो अल्लाह का हुक्म मान, शिबा आमद में भी दियत है, शिबा आमद वो कत्ल ख़ता की तरह है या उससे वो कुछ ज़्यादा है, बहरहाल वो कत्ल आमद नहीं है। तो कत्ल आमद की तो बहुत कड़ी सज़ा है। कत्ल आमद के बारे में यानी एक बंदा, यहाँ तो मुसलमान को कत्ल करने की बात है, कुरान करीम में तो अल्लाह ताला ने कत्ल आमद को इतना बड़ा जुर्म करार दिया है कि अगर एक बंदा किसी दूसरे इंसान को कत्ल कर दे, चाहे वो मुसलमान नहीं है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि वो ऐसे है जैसे उसने पूरी दुनिया को कत्ल कर दिया। कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज फकअन्नमा कतल अन्नास जमीअ। अल्लाह ने जहाँ सूरह माईदा में हज़रत आदम के दो बेटों का जिक्र किया है और वो एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया था, तो वहाँ अल्लाह ने बयान फरमाया है कि ये एक का दूसरे को कत्ल करना ये इतना बड़ा जुर्म है कि हमने बनी इसराइल पर यह बात लिख दी थी कि जो अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन, जो किसी जान को कत्ल करे, यहाँ तो मुसलमान होने की बात भी नहीं है, किसी ऐसी जान को जिसको कत्ल करना नहीं है। अगर कोई किसी हरबी काफिर को, किसी दुश्मन को जिसके साथ दुश्मनी है और वो उनके साथ लड़ाई है और वो इनको कत्ल करने के दरपे हैं या उनको कत्ल करने के दरपे हैं, कुफार हरबी कुफार, तो वो नहीं। इसी तरह मुसलमानों में वो नहीं कि जिसका खून माफ है, यानी हुक्मरान जिसको सज़ा के तौर पर जिसने कत्ल करना, वो शामिल नहीं है। वो जिस जो मासूम उद्दम है, मन कतल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन कुरान कहता है, जो किसी को कत्ल करे बग़ैर किसी उसने किसी को कत्ल नहीं किया। या कुरान करीम में एक और मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق, जिस नफ्स को कत्ल करना अल्लाह ने हराम करार दिया है, वो मुसलमान भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी हो सकता है। तो इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं जो किसी जान को कत्ल करे बग़ैर, उसने किसी को कत्ल नहीं किया, जो उसको कत्ल करे तो उसने गोया कि पूरी दुनिया को कत्ल कर दिया। और इसके बिलमुकाबिल जो किसी को, किसी की जान बचाए, तो उसकी अहमियत भी ऐसे है जैसे उसने पूरी दुनिया की जान बचाई। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअ। और कत्ल करने की मजम्मत इतनी ज़्यादा है कि अगर एक आदमी जो है वो एक शख्स को कई लोग मिलकर कत्ल कर दें तो उन सब को कत्ल कर दिया जाएगा जवाब में। और बात जी पंद्रह सौ क्लास है जो है, अगर दर्द है नाम समझे कि या नंबर गए नाम चल लगा जी तो शेख नुकरा इसका क्या वो जो हज़रत खजर अलैहिस्सलाम ने बच्चे को कत्ल किया था, उन्होंने अपनी तरफ से बच्चे को कत्ल नहीं किया था, उन्होंने तो अल्लाह के हुक्म से किया था, अल्लाह के हुक्म से उन्होंने बच्चे को कत्ल किया था। तो अल्लाह के हुक्म से तो जो जो अल्लाह का हुक्म हो तो वहाँ तो फिर हुरमत ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ तो फिर वो हर्रम अल्लाह वाली बात तो ख़त्म हो गई। वो तो अगर हम ये बात करेंगे तो फिर तो दुश्मन को, हरबी काफिर को भी, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को कत्ल किया है जंगे बदर में, सहाबा किराम ने फिर उनके बारे में क्या कहेंगे? तो वो तो अल्लाह के हुक्म से, उन्होंने वो जो कश्ती में सुराख किया था वो भी अल्लाह के हुक्म से, वो जो उन्होंने बच्चे को कत्ल किया था वो भी अल्लाह के हुक्म से, और वो जो उन्होंने दीवार को सीधा किया था, तो वो उस किस्से के आखिर में है वो मा फ़ालतुहु अन अमरी, मैंने ये काम अपने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। ये सारा हज़रत खजर के बारे में इख्तलाफ है उलमा का कि वो क्या थे, वो फरिश्ते थे कि वो नबी थे या वो नबी नहीं थे, आम इंसान थे। तो बाद उलमा ने कहा कि फरिश्ते थे और बाद उलमा ने कहा कि वो नबी थे। राजे बात अल्लाहु आलम ये है कि वो नबी थे, क्योंकि अल्लाह ताला नबी की तालीम के लिए
या तो नबी की तालीम फरिश्ते के हाथ पर होती है नबी को सिखाना, या फिर वो नबी के हाथ पर होती है। एक गैर नबी तो नबी को नहीं सिखा सकता ना, नबी को तो अल्लाह की तरफ से इल्म दिया जाता है, तो अल्लाह की तरफ से जो इल्म दिया जा रहा है या फरिश्ते के वास्ते से होगा या नबी के वास्ते से होगा। तो हज़रत खजर अलैहिस्सलाम ने जो किया था वो सारा का सारा अल्लाह के हुक्म से किया था, तो वो इस ज़िमन में नहीं आता। तो मैं बात कर रहा था कि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी जी मूसा अलैहि सलाम से जो कतल हुआ था शिका अंत में आएगा ना? हजरत मूसा अलैहि सलाम से जी शिका अंत में आएगा? जी 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 जी, इसीलिए हजरत मूसा अलैहि सलाम ने तौबा की थी, उनका इरादा नहीं था लेकिन उन्होंने तौबा की थी, और वो नबी बनने से पहले हुआ था। उन्होंने कहा रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली, ए अल्लाह मैंने अपने आप पे जुल्म किया मुझे माफ़ कर दीजिए, फ़ग़फ़र अल्लाह, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। तो कुरान करीम में उसका जिक्र मौजूद है। तो कत्ल करने की मज़म्मत इतनी ज़्यादा है कि हदीस मुबारक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ अन्ना अहल समाई वल अर्ज़ इश्तरकू फ़ी दमिम मुमिनिन, अगर तमाम अहले आसमान और तमाम अहले ज़मीन, यानी आसमान ज़मीन इसमें सब लोग आ जाते हैं, आसमान और ज़मीन के सारे लोग अगर एक मोमिन को कत्ल करने में शरीक हो जाएं, अल्लाह सब को आग में डाल दे, तो ये एक मोमिन को कत्ल करना इतना घिनौना जुर्म है। और सही अहादीस में, सही बुखारी वगैरह की अहादीस से पता लगता है कि अल्लाह के नज़दीक एक मोमिन की जान की अहमियत खाना काबे से ज़्यादा है, हुरमत वाले जुल्हज्जा के महीने से ज़्यादा है, मक्का मुकरमा से, जो अल्लाह के शायर हैं और बड़े अमन वाला शहर है और बड़ा अजीम शहर है, तो इन सब से एक मोमिन की जान की हुरमत अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा है। उसके बावजूद कोई किसी को कत्ल कर दे तो बहरहाल इससे बड़ी फिर बदबख्ती और क्या हो सकती है। तो उसकी दुनिया में भी अल्लाह ने सज़ा रखी है, बाकी कोई मुआफ़ कर दे तो एक अलग बात है, उसका अल्लाह के यहाँ अजर होगा, और अल्लाह ने आख़रत में भी बहुत कड़ी सज़ा रखी है। अब यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि उसकी सज़ा जहन्नम है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा। हमेशगी की जो जहन्नम है, ये सज़ा या काफिर के लिए है या मुशरिक के लिए है। कुफार के बारे में कुरान करीम में जगह जगह आता है कि उनके लिए हमेशगी की सज़ा, हमेशगी की जहन्नम है। जैसे अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन फ़ी नारी जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, सूरह बय्यिना में, कि बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया वह अहले किताब में से हों या मुशरिकीन में से हों, इन्नल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन फ़ी नारी जहन्नम, वो जहन्नम की आग में है खालिदीन फ़ीहा, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। काफिर तो जन्नत में नहीं जा सकता, वो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता। वो जन्नत में एक सूरत में दाखिल हो सकता है, अगर ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। जो लोग काफिर हैं, इनकार करने वाले हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात का, और इन्नल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदख़ुलून अलजन्नत हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात, यही मामला मुशरिक का है। मुशरिक भी जन्नत में नहीं जा सकता, वो भी हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में होगा। अल्लाह फरमाते हैं इन्नहु मन युशरिक बिल्लाही फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नत, कि जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है, वो अब हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा वाले याज़ बिल्ला। और जो बंदा शिर्क पे फौत हो, कुफर पे फौत हो, तो इसकी तौबा भी कबूल नहीं होती। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेंगे, शिर्क के अलावा अल्लाह जो चाहें माफ़ कर दें। अल्लाह की मर्ज़ी है, बाकी चीज़ें अल्लाह चाहें तो माफ़ कर दें, शिर्क को अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह ने एक उसूल बयान कर दिया। इसी तरह काफिरों के बारे में अल्लाह ने उसूल बयान कर दिया, जो तौबा किए बगैर कुफर पे फौत हो गया वो जन्नत में नहीं जा सकता, और उससे कोई इवज़ काबिल कबूल नहीं हो सकता। इन्नल्लज़ीन कफरू व मातू व हुम कुफ्फारून फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्ज़ ज़हबन व लव इफ्तदा बिह, तीसरे पारे के आखिर में है कि जिन लोगों ने कुफर किया और वो मर गए और वो काफिर ही थे, तो उनसे ज़मीन सोने की भरी हुई भी अगर वो देना चाहे दे नहीं सकेगा, अगर वो देना चाहे तो उसे कबूल नहीं की जाएगी। हाँ, तौबा तो काफिर कर ले या मुशरिक कर ले तो वो फिर जो है ना उसकी तौबा काबिल कबूल होती है। अब अल्लाह ताला ने कत्ले अम्द पर ये हमेशगी की बात की है, तो क्या कत्ले अम्द करने वाला
अगर वो मुसलमान है, मोमिन है, तो क्या वो जहन्नम में हमेशा रहेगा? तो इसमें उलमा का कहना ये है कि अगर वो मुशरिक नहीं है, काफिर नहीं है, तो वो जहन्नम में जाएगा अपनी सज़ा भुगतने के लिए, और वो जहन्नम में हमेशा रहेगा। लेकिन यहाँ हमेशगी से मुराद हमेशा हमेशा नहीं है, ये यहाँ इतना लंबा अरसा मुराद है जितना अल्लाह को पता है। तो हमेशगी से मुराद लंबा अरसा है। वल्लाहु ताला आलम, क्योंकि अल्लाह ताला शिर्क के अलावा, कुफर के अलावा अल्लाह जो चाहे माफ़ कर दे। बाकी ये जुर्म इतना बड़ा है कि अल्लाह चाहे तो माफ़ ना करे, ये हो या कोई और जुर्म हो, तो हमेशगी से मुराद फिर बहुत लंबा अरसा है। बहरहाल बहुत कड़ी सज़ा है, और इससे हर मुमकिन तरीके से, हर मुमकिन तौर पे बचना चाहिए। इसके बाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जी मैं पूछ रही थी कि जैसे वो सीरिया का मेरे देना कि उधर सिर्फ वॉर वगैरह हो रही है और आमतौर पर पता नहीं चलता कौन किसको मार रहा है, और पाकिस्तान में वजीरिस्तान वगैरह जैसे इलाकों में भी मुसलमान उसका कत्ल कर रहे होते हैं, तो वो सारे मतलब फिर इसी जुर्म में नहीं जा रहे हैं ना? देखिए, अगर किसी भी मासूम उद्दम शख्स को कत्ल करना किसी तौर पर सही नहीं है, बाकी कोई शख्स जो है वो कोई ऐसा किसी को कत्ल कर दे, उसका जवाब में कत्ल किया जाए, या कोई बंदा जो है वो कोई ऐसा जुर्म करे कि जिस जुर्म की सज़ा में किसी को कत्ल किया जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन किसी का ऐसा जुर्म नहीं है तो उसको कत्ल करना वो सही नहीं है, और चाहे वो आम बंदा कत्ल करे, चाहे वो कोई कोई हुक्मरान कत्ल करे, मासूम उद्दम को कत्ल नहीं किया जा सकता। बाकी ये है कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करे, या कोई ऐसा जुर्म करे जिसकी बिना पर शादीशुदा जानी हो, या नबी सल्लम के बारे में, अल्लाह के बारे में गालम गलोच करे वाले याज़ुबिल्ला, या वो मुर्तद हो जाए, या गद्दारी का मुर्तकिब हो, या इस किस्म के जुर्मों का मुर्तकिब हो, कई जुर्म ऐसे हैं जिन पे कत्ल की सज़ा बतौर हद मौजूद है, कई जुर्म ऐसे हैं जिनमें ताज़ीरन कत्ल की सज़ा दी जा सकती है। तो अगर वो उसने ऐसा कोई जुर्म किया है तो एक अलग बात है। बाद लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ खुरूज करते हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलते हैं, ये बात भी सही नहीं है। तो बहरहाल अगर वो मासूम उद्दम है, तो चाहे उसे कोई आम शख्स कत्ल कर दे, चाहे हुकूमत कत्ल कर दे, हुकूमत को भी इख्तियार नहीं है हुकूमत किसी को बिला वजह कत्ल करे। किसी के पास इख्तदार हो, किसी के पास इख्तियार हो, उन्हें भी ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को कत्ल करें बिला वजह। तो ये मुज़म्मत उनके लिए भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जिन ईमान का दावा है, जब तुम सफ़र करो अल्लाह के रास्ते में, जब तुम चलो अल्लाह के रास्ते में, फ़तबय्यनू तो तहकीक कर लिया करो, वला तक़ूलू लिमन अल्क़ा इलैकुम अस्सलाम लस्त मुमिना, और ना तुम कहो उसके लिए जो डाले तुम्हारी तरफ सलाम कि तू मोमिन नहीं है। तबतगूना अरज़ल हयात दुनिया, तुम चाहते हो दुनिया की अरज़, दुनिया का साजो, दुनिया की ज़िंदगी का साजो सामान, फ़ाइंद अल्लाही मगानिमु कसीरा, बस बेशक बस अल्लाह के पास तो बहुत ज़्यादा गनीमतें हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैंने कल इशारा किया था कि ये आयत करीमा, आयत नंबर 94, ये नाजिल हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को भेजा था कहीं, तो रास्ते में उन्हें एक चरवाहा नज़र आया कहीं लड़ने के लिए, या तो रास्ते में एक चरवाहा नज़र आया और चरवाहे ने उन्हें सलाम किया, तो और सलाम करना इस बात की दलील है कि वो मुसलमान है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन्होंने कहा कि इसने अपनी जान बचाने के लिए सलाम किया है, इसने अपनी जान बचाने के लिए सलाम किया है, तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया, और कत्ल करके उसका जो जानवर वगैरह थे, जो माल था, वो ले लिया। तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि इस तरह शकुक व शुबहात की बिना पर भी किसी को कत्ल करना जायज़ नहीं है। थोड़ा बहुत शकुक व शुबहात हों तो कत्ल करना जायज़ नहीं है,
अब सारे को शुबहात ख़त्म कर लेने चाहिए, पूरी तरह तहकीक कर लेनी चाहिए। अगर एक शख्स जो है वो सलाम कर रहा है या कलमा पढ़ रहा है, तो ये कहना नहीं जी इसने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा है। इस तरह का एक वाक़या जंग के दौरान भी हुआ कि जंग के दौरान हज़रत उसामा बिन ज़ैद के सामने एक शख्स आ गया, तो उस शख्स ने कलमा पढ़ लिया आगे से। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहने लगे कि इस शख्स ने तो मुझसे कत्ल से बचने के लिए कलमा पढ़ा है, उन्होंने कत्ल कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज़ हुए। आपने फरमाया क्या तुमने, आपने फरमाया उसे क्यों कत्ल किया? वो कहने लगे अल्लाह के रसूल, उसने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा था, वो मुसलमान नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या तुमने उसके दिल को चीर कर देखा था? अगर अल्लाह के पास वो दावा लेकर आ गया तो तुम क्या उज़र पेश करोगे? तो उसामा बिन ज़ैद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दफ़ा ये बात दोहराई कि मुझे, मैंने कहा काश कि मैं आज मुसलमान होता और मेरा ये जुर्म माफ़ हो जाता। तो बहरहाल शकों को शुबहात की बिना पर भी किसी को कत्ल करना जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा तुम्हें सलाम कहे, तुम उसे ये न कहो कि तुम मोमिन नहीं है, तूने तो जान बचाने के लिए, तूने तो इसलिए ये काम किया है। फरमाया तब तक उन आरत अल हयात दुनिया, इस कत्ल के पीछे एक तो शक व शुबा का मसला था, दूसरा तुम दुनिया की ज़िंदगी का साजो सामान चाहते थे। तुमने कहा कि तुम्हें इसका साजो सामान मिल जाए, असल में ये था कि जो बंदा किसी को कत्ल करे, किसी काफिर को, किसी दुश्मन को, तो उसका साजो सामान उसका होता था जो कत्ल करे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उस चरवाहे का के जानवर और उसका साजो सामान लेना चाहते थे, शक व शुबहात के बावजूद तुमने कत्ल कर दिया। तो शक व शुबहात की सूरत में कभी भी कत्ल नहीं करना चाहिए, बल्कि ये तो सज़ाएं हों तो सज़ाओं को भी हत्तुल इम्कान शक व शुबहात से दूर रखना चाहिए। अगर कहीं कोई शक व शुबा आ जाए तो वहाँ हुदूद को भी लागू नहीं किया जाता। अगर कहीं शक आ जाए तो शक का फ़ायदा जो है वो फिर मुजरिम को दिया जाता है। इदराउल हुदूद अभी शुबहात, शुबहात अगर आ जाए तो फिर हुदूद को भी दूर कर दो, हुदूद भी लागू ना करो। हद तब लागू की जाती है जब एक मामला पूरे तरीके से 100% वाजे हो जाए। इसी तरह किसी को अगर कोई दुश्मन है तो किसी को कत्ल करना है, तो वो भी तब जब मामला पूरी तरह वाजे हो। जब कहीं शक व शुबा आ जाए तो शक व शुबा आने के बाद ये जायज़ नहीं है। वो तुम्हें सलाम कर रहा था तो तुमने उससे कहा कि तुम मोमिन नहीं हो, कत्ल कर दिया, तो ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, तुम्हें पूरी तहकीक करनी चाहिए। तुम अगर दुनिया का साजो सामान चाहते थे तो अल्लाह के पास तो बहुत ज़्यादा गनीमतें हैं। कदालिक कुन्तुम मिन क़ब्लु, इसी तरह तुम थे इससे पहले। फ़मन अल्लाहु अलैकुम फ़तबय्यनु, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया तो तुम तहकीक कर लिया करो। इससे पहले तुम्हारी भी ये कैफियत थी, यानी वो चरवाहा जो है वो अपना इस्लाम छुपाए हुए होगा। तुम आए, तुम उसके पास से गुजरे तो उसने तुम्हें सलाम कहा। तुमने कोई देखा होगा कि जी ये तो मुसलमान नहीं है ये तो, जब उसने तुम्हें सलाम कहा, इस्लाम का इजहार किया, तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। एक वक्त था तुम भी अपना इस्लाम छुपाते थे, तुम भी डरते थे जब तुम थोड़े थे और कुफार ज़्यादा थे, तो कई मुसलमान जो हैं वो ऐसा हुलिया रखते थे अपना के पता न लगे कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि जुल्म व सितम होता था। तो एक वक्त था कि तुम्हारे साथ भी ये मुश्किल थी। अब अल्लाह ने तुम्हें ताकत दे दी है, अब अल्लाह ने तुम्हें मदीना मुनव्वरा के अंदर तुम्हें एक जगह अता कर दी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तहकीक किए बगैर तुमसे ज्यादती हो जाए। एक मुसलमान वो किसी पर ज्यादती नहीं करता, चाहे वो आम मुसलमान हो, चाहे उसके पास कोई गलबा, कोई इख्तदार, कोई इख्तियार हो। अगर वो गलबा इख्तदार की सूरत में किसी पर जुल्म करेगा तो उसको पता होना चाहिए कि उससे ज़्यादा ताकत रखने वाला, उससे ज़्यादा इख्तियार रखने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर उससे ज़्यादा ताकत रखते हैं। तो तुम्हारे पास अगर ताकत आ गई है, गलबा आ गया है, तो एक वक्त था कि तुम्हारे पास ये ताकत और गलबा नहीं था, उस वक्त तुम भी इसी तरह अपने इस्लाम को छुपाते थे। तो तहकीक के साथ मामला करो, कोई मामला तहकीक के बगैर नहीं करना और कोई मामला शकुक व शुबहात की सूरत में नहीं करना। इन अल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा, बेशक अल्लाह ताला साथ उसके जो तुम अमल कर रहे हो खबरदार हैं। لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم। नहीं बराबर हो सकते अलकायदूना, बैठने वाले,
من المؤمنين مؤمنين میں سے, غیر اولی الضرر سوائے ان لوگوں کے جو ضرر والے ہیں. ضرر والے, ضرر سے مراد یہاں عذر, جن کو کوئی ضرر لاحق ہے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی اللہ نہ کرے اس کو نظر نہیں آتا, کوئی اور بیماری ہے اس کو, نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے مؤمنین میں سے ضرر والوں کے علاوہ, یعنی عذر والوں کے علاوہ. والمجاہدون فی سبیل اللہ, اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں, بھی اموالہم و انفسہم, اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں تقابل کر رہے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ مسلمان ہیں جو اپنے مالوں کو, اپنی جانوں کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں, اور اللہ کے رستے میں وہ اپنے جان اور مال کی پرواہ نہیں کرتے. تو اللہ کے رستے میں مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنے والے, اور بیٹھ رہنے والے جہاد سے جان چھڑانے والے مومنین میں سے, یہ برابر نہیں ہو سکتے. برابر نہیں ہو سکتے. جو جہاد کرنے والے ہیں, جب جہاد کا حکم آ جائے تو جہاد کرنے والے اپنے مال کے ساتھ جہاد کریں یا جان کے ساتھ جہاد کریں, ان کا بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. اور دوسری طرف جو جہاد کرنے سے بیٹھ جائیں, مومنین میں سے جن کا عذر نہ ہو, تو یہ برابر نہیں ہو سکتے. اس سے پتہ لگا کہ جن کا عذر ہو پھر وہ جہاد میں نہ جائیں, اگر ان کی نیت تھی کہ اگر ہمارا عذر نہ ہوتا تو ہم جہاد میں شریک ہوتے, تو وہ جہاد کرنے والوں کے ساتھ اجر میں شریک ہیں. یعنی اگر دیکھیے, کچھ لوگ ہیں جو جہاد میں شریک ہوتے ہیں اپنی جان کے ساتھ, اپنے مال کے ساتھ. کچھ لوگ ہیں جو جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں, پوری نیت ہے ان کی, لیکن ان کا کوئی عذر آ جاتا ہے موقع پر, وقتی عذر آ جاتا ہے, وقتی طور پہ بیمار ہو گئے, یا وقتی طور پہ ایسا عذر آ گیا کہ وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے, یا ان کا کوئی دائمی عذر ہے, کوئی لنگڑے ہیں یا اندھے ہیں یا کوئی اور ان کا ایسا عذر ہے کہ وہ لڑ نہیں سکتے, لیکن ان کی نیت ہے پوری, جذبہ ان کا پورا ہے کہ اگر ہمارا عذر نہ ہوتا تو ہم ضرور لڑتے, تو وہ لوگ یہاں مراد نہیں ہیں. ان کو تو پورا اجر ملتا ہے جہاد کرنے کا, جس کا کوئی وقتی عذر ہو, جس کا کوئی دائمی عذر ہو. یہاں بات ان کی ہو رہی ہے کہ جن کا عذر نہ ہو, جن کا ضرر نہ ہو. اصل میں پہلے جب یہ آیت اتری تھی تو اس آیت میں پہلے غیر اولی ضرر موجود نہیں تھا. پہلے اس آیت کے الفاظ بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے, پہلے اس آیت کے الفاظ تھے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, کہ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والے اور مؤمنین میں سے بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت لکھوا رہے تھے, آپ پر جو بھی آیت اترتی تھی, آپ کے کاتبین تھے, آپ ان کو لکھوا دیتے تھے. تو بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت جو کاتبین وحی میں سے تھے, انہیں آپ یہ آیت لکھوا رہے تھے. تو ایک نبینا صحابی, ایک عذر والے صحابی آگے, اور جب انہوں نے یہ آیت سنی تو عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول, ہم بھی تو جہاد سے بیٹھے رہتے ہیں اور ہم بیٹھنا نہیں چاہتے, لیکن ہمارا عذر ہے, تو کیا ہم جہاد کرنے والوں کی طرح نہیں ہیں؟ تو اسی موقع پر جو ہے یہ آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی, اور حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میرا گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے نیچے تھا, اور مجھے لگا جیسے میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا. جب آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی نا, تو آپ کے لیے مشکل کیفیت ہوتی تھی, اور آپ کا جسم مبارک کافی وزنی ہو جاتا تھا. اصل میں آپ پر وحی کی مختلف کیفیات ہوتی تھیں. ایک کیفیت یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبریل انسان کی شکل میں آتے تھے, وہ کیفیت آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتی تھی, جس طرح غار حرا میں ہوا. اور ایک کیفیت ہوتی تھی کہ سلسلۃ الجرس کے الفاظ ہیں, تو وہ کیفیت آپ پر کافی بھاری ہوتی تھی. صحیح بخاری میں موجود ہے, صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو وحی کیسے ہوتی ہے, تو آپ نے فرمایا کبھی کبھی تو جبریل مجھ پر, وہ آتے ہیں انسان کی شکل میں, اور کبھی کبھی سلسلۃ الجرس کی صورت میں وحی ہوتی ہے, وہ مجھ پر سخت ہوتی ہے. اور سخت سردی میں آپ پر وحی ہوتی تھی تو آپ کو پسینہ آ جاتا تھا, آپ کا جسم مبارک اتنا بھاری ہو جاتا تھا کہ اگر آپ اونٹ پر سوار ہوتے تھے اونٹ کو بیٹھنا پڑتا تھا. تو چلیں آیت مکمل کر لیتے ہیں. تو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ یہ غیر اولی ضرر کے جو الفاظ ہیں یہ بعد میں اترے تھے. اصل میں یہ بعد میں کیوں اترے؟ کیا پہلے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کو بھول گیا تھا؟ ہرگز نہیں. اصل میں اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں. یہ الفاظ بعد میں اترنے سے اس کا مفہوم بہت زیادہ واضح ہو گیا, خاص طور پر جب صحابی نے سوال کیا تو اس کا مفہوم بہت زیادہ واضح ہو گیا, اور باقاعدہ یہ الفاظ نمایاں ہو گئے
हदीस में ये पूरी कैफियत आई कि पहले ये अल्फाज नहीं थे, बाद में ये अल्फाज आए, तो इससे गोया कि ये अल्फाज बहुत नुमायाँ हो गए कि इसमें ज़र्र वाले लोग मुराद नहीं हैं, उज़र वाले लोग मुराद नहीं हैं। अगर उज़र वाले लोग नीयत रखें जिहाद की लेकिन उज़र की वजह से जिहाद ना कर सकें तो वो मुजाहिदीन की तरह हैं बिल्कुल। लेकिन वो लोग जिनका उज़र नहीं है लेकिन फिर भी वो बैठे रहते हैं, वो और मुजाहिद बराबर नहीं हो सकते। लेकिन एक बात देखिए आप कि अल्लाह ने उनको बैठने वालों को भी मोमिन करार दिया है। इससे पता लगता है कि अगर एक इंसान से गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, बड़ा गुनाह भी हो जाए, तो गुनाह इंसान को मिल्लत इस्लामिया से नहीं निकाल देता। बाद ऐसे गुनाह हैं जो इंसान को मिल्लत इस्लामिया से निकाल देते हैं, कुफर शिरक और इस किस्म की चीज़ें, लेकिन सारे गुनाह ऐसे नहीं जो इंसान को इस्लाम से निकाल दें। लड़ाई है मुसलमानों की आपस की, तो बाद अहादीस में तो यहाँ तक मौजूद है कि सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन व क़िताल्हु कुफ्रुन, के मुसलमान अगर एक दूसरे से को गालम गलोच करें तो ये फिस्क व फुजूर का काम है, और अगर मुसलमान एक दूसरे से लड़ें तो ये कुफर है। लेकिन कुरान करीम की बात आयात से हमें पता लगता है कि मुसलमान अगर आपस में लड़ भी पड़ें फिर भी दोनों मोमिन रहते हैं। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइन ताइफतानी मिनल मुमिनीना इख्ततलू, अगर मोमिनों की दो जमातें लड़ पड़ें, फ़असलिहू बैनहुमा, तो उन्हें सुलह करवा दो। वहाँ अल्लाह ने दोनों जमातों को मोमिन करार दिया, और बाद उलमा ने इससे सैयदना अली सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का जो इख्तलाफ था वो मुराद लिया है। तो ये जो ख़वारिज एक गिरोह था, बहुत ख़तरनाक गिरोह, पहला गिरोह जो अहले सुन्नत से अलग हुआ, तो वो कहते थे कि एक बंदा जो गुनाह करता है तो वो फिर मुसलमान नहीं रहता, वो फिर काफिर हो जाता है, और फिर वो मुबाह दम हो जाता है, उसको कत्ल करना ज़रूरी है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, वो इतने बदबख्त थे कि उन्होंने इस बिना पर कितने सहाबाए किराम को मुबाह दम करार देकर कत्ल कर दिया। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को, जिनकी तारीफ़ से कुरान करीम भरा पड़ा है, हज़रत उस्मान को इस बिना पर शहीद किया गया, हज़रत अली को शहीद करने के बारे में प्लानिंग की और शहीद किया हज़रत अली को, हज़रत अमीर मुआविया को शहीद करने की प्लानिंग हुई थी, वो उस पर अमल नहीं कर सके, कितने सहाबा किराम को उन्होंने शहीद किया सिर्फ इसी उसूल की बिना पर। तो अब देखिए जिहाद से बैठने वाले को भी मोमिन करार दिया, और फरमाया कि वो मुजाहिद की तरह नहीं है, उसको शरीक होना चाहिए था लेकिन वो नहीं शरीक हुआ, फिर भी वो मोमिन है, दोनों बराबर नहीं है। फरमाया फ़ज़ल्लाहुल मुजाहिदीन बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा, फजीलत दी है अल्लाह ने अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करने वाले को, वालों को, अलल क़ाइदीन बैठने वालों पर, ये वो बैठने वाले जिनका उज़र नहीं है, दरजा दर्जे के अतबार से मुजाहिदीन का दर्जा ज़्यादा है, मुजाहिदीन का दर्जा ज़्यादा है, लेकिन जो दूसरे हैं तो वो अगर नहीं शरीक होते तो बहरहाल वो हैं मोमिन ही, लेकिन वो बहुत बड़े दर्जा से महरूम रहे हैं। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, और हर एक से अल्लाह ने अच्छाई का वादा किया है, हर एक से अल्लाह ने नेकी का वादा किया है, अच्छी बात का वादा किया है। वफ़ज़ल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा, लेकिन फजीलत दी है अल्लाह ने मुजाहिदीन को बैठने वालों पर बहुत बड़े अजर की। बहरहाल गुनाह के बावजूद भी एक बंदा जो है उसको जन्नत मिल सकती है और वह अल्लाह की नियमतों का हकदार हो सकता है। बाकी ये है कि बाद ऐसी जंगें होती हैं, बाद ऐसे जिहाद होते हैं जिसमें नफीर आम नहीं होती, हर बंदे को नहीं कहा जाता कि आप लड़ें, वैसे कहा जाता है जो जो लड़ना चाहता है वो लड़े। तो ऐसी जगहों पर जो लड़ने के लिए निकलते हैं उनका बहुत बड़ा दर्जा है, जो लड़ने के लिए नहीं निकलते तो बहरहाल हैं वो मुसलमान ही, लेकिन वो उस दर्जे के हामिल नहीं हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि सबको निकलना होता है, जो जो ना निकले फिर उसकी मजम्मत भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जंग तबूक वगैरह पर जो नहीं निकले उनकी बहुत मजम्मत बयान की गई, उनमें मुनाफिक भी थे और उनमें कई मुसलमान भी पीछे रह गए थे, बाद में उन्होंने तौबा की तो उनकी तौबा कबूल हो गई। तो बहरहाल जो जिहाद वगैरह में शरीक होता है तो उसका अजर बहुत ज़्यादा है, जो नहीं शरीक होता उज़र नहीं है उसका, तो वो अजर में कम है, लेकिन बहरहाल है वो मुसलमान ही। दरजात मिन्हु व मग़फ़िरत व रहमा, दरजात हैं अल्लाह की तरफ से और मग़फ़िरत भी है और रहमत भी है।
नेक लोगों के भी दर्जात हैं, मुसलमानों के भी दर्जात हैं, और इतने इतना तफावत है दर्जात में कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। हर चीज़ में दर्जात हैं, जिस तरह मुसलमान और काफिर इनका जो आखिरत में बदला है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, इस तरह मुसलमानों के आपस के दर्जों का बहुत बड़ा फ़र्क है। एक आम मुसलमान और नबी या शहीद या सिद्दीक, उनका दर्जा बराबर तो नहीं है, बहुत बड़ा दर्जा है, जन्नत में दर्जात हैं। इसी तरह जो कुफार हैं उनके भी दर्जात हैं, मुनाफिक जो सबसे निचले दर्जे में होंगे, और तो हर चीज़ के दर्जे हैं। तो मोमिनीन में भी दर्जात का फ़र्क है, कई मोमिनीन के दर्जात में ज़मीन और आसमान के बराबर एक दर्जा है, कई मोमिनीन पे कितने दर्जों का फ़र्क होगा, जन्नत के 100 दर्जे हैं, एक दर्जा में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और जो ऊंचे दर्जे वालों मोमिनों को नीचे दर्जे वाले मोमिन ऐसे देखेंगे जैसे हम सितारों को देखते हैं, तो बहुत बड़े दर्जात का फ़र्क है। कोई बंदा ये ना समझे कि जी मुजाहिदीन का तो चंद दर्जे ही इजाफा है, जो जिहाद ना भी करे तो है वो भी मुसलमान। दर्जात का फ़र्क है, और दर्जात का फ़र्क छोटा नहीं है, बहुत बड़ा फ़र्क है ये। वकान अल्लाहु गफूरुर रहीम, और हैं अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले, बहुत रहम करने वाले। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।